हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी ठीक हूँ। फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। आप ही लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि इसी ड्रेस में, मतलब यही गोल्डन ब्लाउज गोल्ड और ब्लैक कलर की साड़ी में आप एक हेयर ड्राइंग ब्लॉग बनाओ। सो मैंने आज किया है हेयर वॉश, तो मैंने सोचा कि चलो एक हेयर ड्राइंग ब्लॉग बना ही लेते हैं। तो आज ये वाला साड़ी पहन के ही मैं अपने दूसरे चैनल्स के लिए बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने बनाए हैं, बहुत सारे नहीं, करीब दो तीन तीन ब्लॉग तो बनाया ही है मैंने। ये वाला साड़ी पहन के शायद एक ही ब्लॉग हुआ है और ये है सेकंड। मेरा जो चैनल है आटा विद बॉम ब्यूटी, उसी चैनल के लिए मैंने ब्लॉग बनाया। सॉरी, मुझे हिंदी उतनी अच्छी तरह से नहीं आता है, तो आज हिंदी बोल रही हूँ ना तो बात एक के ऊपर एक आ जा रहा है। जैसे बंगाली में बोलते हैं ना, कथा जोड़ी है जब से, आज वो हो रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा हड़बड़ी में आज मैं हूँ, मुझे निकलना है। शाम को मैं फ्री रहती हूँ, बट आज शाम को फ्री नहीं हूँ, ऑफिस का काम है, मुझे निकलना है। आज मैंने लंच भी नहीं किया, इतना सारा काम करने के बाद इतना ज्यादा थक गई हूँ, और ब्लॉग करना भी बाकी था, तो चावल और फिश करी रखा हुआ था फ्रिज पे, मैंने निकाल के रखा था खाने के लिए, वापस अंदर कर दिया। फिर चाय बिस्किट बना के मैंने खा लिया। अब शाम को कुछ खाएंगे, अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो को मैं वीडियो बोल रही हूँ, सॉरी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो चलो ये देखिए, 30 मिनट हो गया, मैं ब्लॉग बना रही थी और ब्लॉग में बहुत सारा काम भी करना पड़ा था। फिर मैंने चाय बनाया, चाय भी मैंने पी लिया। सब कुछ करने के बाद अब आई हूँ हेयर ड्राई करने के लिए। सो हेयर ड्राई करने के लिए साड़ी का जो आंचल है इसको तो यहाँ पे करना होगा, नहीं तो वो गमछे में आ जाएगा। यहाँ पे पता है पंखा नहीं है ना, तो गर्म लग रहा है मुझे। तो जल्दी जल्दी से ब्लॉग को फिनिश करेंगे। और हेयर ड्राइंग जो ब्लॉग है ना, बहुत ज्यादा लंबा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा टाइम तक हेयर ड्राई करती नहीं हूँ इसी वजह से। और ज्यादा टाइम तक हेयर ड्राई करूंगी तो फिर मेरे बाल निकलने लगते हैं। आप लोगों ने बोला था कि रियल साउंड के साथ, ओके? मुझे नहीं पता कितना सुनाई आप लोगों को देगा, क्योंकि मैं ज्यादा जोर से झाड़ती नहीं हूँ बालों को। बालों की हालत जो है वो बहुत खराब है। ऐसे तो गर्मी का सीजन है, पूरे दिन गर्मी में घूम घूम के बालों में, मतलब स्कैल्प पे इतना ज्यादा पसीना हो रहा है कि पूरे दिन बाल भींगे रहते हैं, उसके वजह से बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। आज मैंने शैम्पू किया ना तो बहुत हेयर फॉल हुआ। गलती मेरी ही है, बहुत दिनों से मैंने हेयर ऑयलिंग किया नहीं। हेयर का जो अलग से केयर मैं लेती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चलो बैक साइड से थोड़ा सा हेयर ड्राइंग करेंगे बस। इतना छोटा तो हेयर है, इसमें ड्राई करने के लिए कुछ रहता नहीं है, ठीक है? लंबे बालों में हेयर ड्राइंग किया जाता है क्योंकि आफ्टर शैम्पू उसमें जड़ पकड़ लेता है, और मेरे बालों में ऐसा कुछ है नहीं। इतना छोटा सा तो हेयर है, देखो। और यहाँ पे अभी हेयर ड्राइंग जब भी मैं करती हूँ ना, तो यहाँ पे कुछ बाल निकलते हैं। देखो यहाँ पे भी दो तीन बाल निकले हैं, ये देखो। इसीलिए मुझे ड्राई करना नहीं पसंद है। मैं ये वीडियो बनाने के लिए ही हेयर को ड्राई करती हूँ इस तरह से गमछे से झाड़ के, नहीं तो मैं नॉर्मली नहीं करती हूँ, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है। चलो हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। रियल साउंड पता नहीं कितना सुनाई दिया आप लोगों को। मैं अभी वीडियो में म्यूजिक ऐड नहीं करती हूँ, बेकार में मुझे भी परेशानी होती है म्यूजिक ऐड करो, फिर कुछ कुछ म्यूजिक्स में हो जाता है, कॉपीराइट आ जाता है उसमें, फिर मुझे दिक्कत हो जाती है, फिर म्यूजिक को डिलीट करो, फिर से उसको फिर उसमें म्यूजिक ऐड करो, तो इसीलिए मैंने म्यूजिक डालना ही छोड़ दिया। तो चलिए, हेयर ड्राइंग जो है शायद 2 से 3 मिनट का मैंने किया, इससे ज्यादा मेरे से होगा नहीं, क्योंकि बाल आप लोग को दिखता ही है, मेरा जो बाल है वो छोटा सा है और स्ट्रेट है, ज्यादा कर्ली नहीं है, ज्यादा झाड़ने के लिए कुछ होता भी नहीं है। और एक बात जो आप लोग को बोलना था, नहीं चलो किसी और ब्लॉग में बोलेंगे। एक्चुअली आज जो मैं हेयर ड्राइंग ब्लॉग बना रही हूँ, एक मुझे रिव्यू देना था हेयर डाई मैंने बनाया था उसका,
वो किसी और ब्लॉग में देंगे, आज नहीं। बस चलिए ब्लॉग को करते हैं ऑफ। ये साड़ी का जो कॉम्बिनेशन है ना, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है मत पूछो। बट ये वाला जो साड़ी है, इसके साथ इसके कॉम्बिनेशन पे जो ब्लाउज का पीस आया है वो ब्लैक कलर का दिया है, गोल्डन तो दिया ही नहीं। साड़ी वैसे ठीक है, पर साड़ी का जो क्वालिटी है ना, प्राइस के हिसाब से सही है। साड़ी जो है वो बहुत ही पतला है, ठीक है, घर में पहनो ठीक है, बाहर भी पहन सकते हैं, बट इसको दो तीन बार वॉश करने के बाद एकदम कोई जान नहीं रहता है साड़ी में, बस यही बोलना चाहती हूँ। अभी तो ये नया है तो फिर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये दो तीन बार मैं इसको वॉश करूंगी तो ये कैसा लगेगा देखने में पता है, जैसे घर पोछने का कपड़ा होता है ना, पोछा लगेगा देखने में। दाम भी तो ज्यादा नहीं है ना, करीब 350-400 के अंदर इसका प्राइस है। तो चलो और बकबक करके ब्लॉग को बड़ा नहीं करते हैं। आप ही लोगों का रिक्वेस्ट था इस साड़ी में ब्लॉग बनाओ, इस साड़ी में मैंने बनाया, फिर बोला था कि रियल साउंड हेयर ड्राइंग ब्लॉग बनाओ, वो भी मैंने बना डाला। अब आप लोग का काम है, आप लोग वीडियो देखो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टाटा।